नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल एज ए ट्रेडर्स में। फ्रेंड्स, मेरे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि एंजल वन में अकाउंट ओपन होने के बाद ट्रेड कैसे करें, तो मैं आज न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है लर्न एंड अर्न, यानी पहले सीखो और कमाओ। तो आज सीखते हैं कि एंजल वन में हम लॉगिंग करने के बाद कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है न्यू डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे वैसे ये पेज ओपन होगा हमारा एंजल ब्रोकिंग एंजल वन का। इसमें आपको अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, सिटी लिखना है, और जैसे मोबाइल नंबर लिखोगे वैसे एक OTP आएगा, उस OTP डाल देने का और बाद में यहाँ पे ओपन एंड अकाउंट करने का है। कहाँ पे ओपन एंड अकाउंट? यहाँ पे करने का है। यहाँ पे करोगे तो उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप फिलअप करके जाना है। और अगर किसी को पता नहीं चले न्यू अकाउंट ओपन कैसे करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो आइए देखते हैं हम, अब जब अकाउंट ओपन हो जाएगा तो उसके बाद हमें लॉगिन करना है। फ्रेंड्स, ये मेरा थोड़ा इश्यू है। लॉगिन हो जाने के बाद फ्रेंड्स ऐसा दिखेगा आपको। ओके, मैंने लॉगिन कर दिया है फ्रेंड्स, ये वाला पेज मैंने लॉगिन कर दिया है फ्रेंड्स। तो आज हम सीखेंगे कि लॉगिन होने के बाद ये कैसा दिखाएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकोगे ये मेरा ID है। ओके, और आपको न्यू डीमैट अकाउंट जब फिलअप करते हो तो दो दिन में आपका न्यू डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपके पास लॉगिन ID और पासवर्ड भी आ जाएगा। और जब आप लॉगिन ID और पासवर्ड करोगे तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे ऐसा एंजल वन का डिस्प्ले दिखाई देगा, जिसमें यहाँ पे आपको दिखेगा। डैशबोर्ड में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा फ्रेंड्स इंडिया और ग्लोबल। इंडिया में हमारा निफ्टी 50 आएगा, निफ्टी IT आएगा, निफ्टी बैंक आएगा, निफ्टी 100 आएगा। इन सब का वैल्यू यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस दिखाई देगा, क्योंकि आज संडे है तो आज मार्केट क्लोज है, तो इसकी वजह से ये चेंजेस कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, और यहाँ पे इक्विटी समरी में जाओगे, यहाँ पे फ्रेंड्स तो आपको दिखेगा टॉप गेनर, दिन का टॉप गेनर दिखाई देगा, टॉप लूजर भी दिखाई देगा आपको। ये टॉप लूजर्स है, मोस्ट एक्टिव बाय वैल्यू वाला कौन सा स्टॉक है ये यहाँ पे दिखाई देगा फ्रेंड्स। ये मोस्ट एक्टिव बाय वॉल्यूम, कौन सी स्टॉक में वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा। ओके, और इसके बाद नीचे जाएंगे हम फ्रेंड्स तो यहाँ पे डेरिवेटिव का भी हमें दिखाई देगा, जिसमें फ्यूचर प्राइस रहेगा, फ्यूचर ऑप्शन रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पोर्टफोलियो में आपको पता चलेगा। इक्विटी में इक्विटी का दिखाई देगा, म्यूचुअल फंड का दिखाई देगा, बॉन्ड दिखाई देगा, फ्यूचर ऑप्शन का दिखाई देगा। मैंने लास्ट टाइम पे लास्ट वीक में एक छोटा सा ट्रेड लिया था आपको दिखाने के लिए, तो उसका यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस भी दिखाई देगा। ओके, ये फ्यूचर प्राइस का है, बाद में यहाँ पे दिखाई देगा मार्केट न्यूज़ में कौन कौन सा न्यूज़ आएगा दिन में, वो आप चेक कर सकोगे स्टॉक इन न्यूज़ में। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का है, स्टेट बैंक का है, ग्लोबल न्यूज़ भी आएगा यहाँ पे, कमोडिटी भी आएगा, करंसी अपडेट आएगा, IPO आएगा। अगर आप IPO में इन्वेस्ट करना चाहते हो IPO न्यूज़ के बेस पे हमें पता चलेगा कि कौन कौन सा IPO नया आने वाला है। जैसे भाटिया कलर केमिकल है, कलर कैप्स इंडस्ट्री लिमिटेड, कलर कैप्स इंडस्ट्री लिमिटेड का रिलेटेड सब हमें दिखाई देगा यहाँ पे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे ऊपर देखोगे यहाँ पे तो निफ्टी का प्राइस दिखाई देता हमें 17,288, जो लास्ट थर्सडे को यानी गुरुवार को क्लोजिंग प्राइस हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे BSE सेंसेक्स दिखाई देता है, यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखाई देता है फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडिया वीक दिखाई देता है फ्रेंड्स यहाँ पे। वैसे अगर आप पोर्टफोलियो में जाओगे, मैं इसको निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे पोर्टफोलियो में भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे इक्विटी है, फ्यूचर एंड ऑप्शन है, कमोडिटी है, करेंसी है, बॉन्ड है, फ्यूचर म्यूचुअल फंड है, फ्यूचर एंड ऑप्शन देखते हैं हम। यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन भी आएगा यहाँ पे, ये मैंने HDFC बैंक का एक छोटा सा ट्रेड लिया था लास्ट वीक में 0.65 रुपीज़ में, जिसमें मुझे 165 जैसा लॉस हो रहा है, तो उसको मैंने ऐसे ही लिया था टाइम पास करने के लिए, तो भी पड़ा हुआ है। नेगेटिव न्यूज़ की वजह से मैंने लिया था कि हो सकता है नेगेटिव न्यूज़ ज़्यादा आए तो ये बैंक निफ्टी नीचे आएगा, HDFC बैंक नीचे आएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट भी हो रहा था, लेकिन मैंने उसको निकाला नहीं, ऐसे रखा है, क्योंकि ये पूरा मंथली एक्सपायरी का है, 31 मार्च एक्सपायरी का है। ओके, वैसे ये कॉमोडिटी में भी आप कर सकते हो ट्रेड फ्रेंड्स,
या करेंसी में भी कर सकते हो, बॉन्ड में भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड आप लोग म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पे ऑप्शन आएगा सब। वैसे ही हम देखते हैं यहाँ पे पोर्टफोलियो के बाद आएगा मार्केट्स। तो मार्केट्स में क्या आएगा फ्रेंड्स देखते हैं हम। नेट स्लो है आज तो थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे, इसको निकाल लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप ना वॉच लिस्ट भी बना सकते हो। ये सब मैंने वॉच लिस्ट बनाई है, माई वॉच लिस्ट 1, माई वॉच लिस्ट 2, माई वॉच लिस्ट 3, माई वॉच लिस्ट 4, माई वॉच लिस्ट 5। यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टॉक का नाम लिखोगे तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स। बाद में बाजू में आएगा फ्यूचर एंड ऑप्शन डेटा आएगा, यहाँ पे देखते हैं हम फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा। नेट की वजह से बहुत स्लो हुआ है फ्रेंड्स ये। चल भाई खुल जा फ्रेंड्स। अगर आपने एक बार स्टार्ट किया तो धीरे धीरे आप सीख ही जाओगे कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं और कैसे हम इसमें से इन्वेस्ट करना है और कैसे हम इसमें से पार्ट टाइम या एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। लेकिन इससे पहले आपको डीमैट अकाउंट ओपन करके ही सब करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे हम बढ़ते रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। ओके देखो ये मेरा ओपन हो गया, फ्यूचर ऑप्शन का डेटा ओपन हो गया। डैशबोर्ड में आप यहाँ पर देखोगे लॉन्ग बिल्ड, शॉर्ट कवरिंग, अगर शॉर्ट कवरिंग होता है तो भी ये पता चल जाएगा। शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ये लॉन्ग बिल्टअप हुआ है, इसका स्टॉक का नाम यहाँ पे आ गया है फ्रेंड्स। पुट कॉल का रेशियो भी आ रहा है यहाँ पे, प्राइस गेन का भी आ रहा है कि कौन से स्टॉक में प्राइस गेन हुआ है, प्राइस लूज का भी आ रहा है, लॉस लूजर। और यहाँ पे सेक्टर वाइज भी आपको दिखाई देगा, फाइनेंस, फार्मा, ऑटो, प्राइस परसेंट कितना प्राइस बढ़ा, कूपन इंटरेस्ट कितना है इसमें, मेडिकल का, बैंकिंग का, फर्टिलाइजर्स का, रियल्टी का, यहाँ पे आप पूरा चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे हीट मैप में देखते हैं क्या आता है, ये सब स्टॉक ही आ रहा है फ्रेंड्स, पूरा स्टॉक आ रहा है, ये सेक्टर वाइज है फ्रेंड्स। सेक्टर वाइज ऐसा आएगा फ्रेंड्स, प्राइस परसेंटेज ऊपर इंटरेस्ट रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, रोल ओवर रहेगा कि कौन से स्टॉक में कितना रोल ओवर हुआ है फ्रेंड्स। ऑप्शन का भी लिखा आएगा जिसमें कौन से ऑप्शन में ज़्यादा गेन हुआ है, ओपन इंटरेस्ट लॉस हुआ है, वॉल्यूम गेन हुआ है, मोस्ट एक्टिव कौन सा है, आईवी राइज कौन सा है, आईवी फॉल क्या है, प्राइस गेनर क्या है, इन द मनी क्या है, आउट द मनी क्या है, उसका पूरा डेटा आपको यहाँ पे एंजल वन में मिलेगा। तो एंजल वन में सबसे बढ़िया है, ट्रेड करने का मजा आता है फ्रेंड्स, इसमें सारा इंडेक्स डिटेल यहाँ पे हमें पता चलेगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ये आप चेक कर लीजिएगा, नेट स्लो है इसकी वजह से शायद नहीं आ रहा है अभी। इसके बाद में आएगा ये चार्ट, चार्ट में भी देख लेते हैं फ्रेंड्स कि चार्ट में क्या आ रहा है। देखो ज़्यादा गेन हुआ है रिलायंस का, टाटा स्टील का, टाइटन का, इन्फी का, ये सब कॉल पुट कॉल है ऑप्शन, उसका गेन हुआ है वो दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स हमें। दोस्तों इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें ऑप्शन चेन आ रही है, विदाउट ऑप्शन चेन आपको ट्रेड करने में मजा नहीं आएगा फ्रेंड्स। मैं बैक करता हूँ, देखते हैं क्या आता है। ओके आ गया, चलो यहाँ पे वॉचलिस्ट से देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन चेन देखते हैं आता है या नहीं आता। ओके आ गए, यहाँ पे दिख रहा है आपको निफ्टी का ऑप्शन चेन दिख रहा है। यहाँ पे आपको नाम लिखना पड़ेगा जिसका भी आपको देखना चाहते हो वहाँ पे, जैसे मैं दिखता हूँ यहाँ पे बैंक निफ्टी का देखते हैं, तो बैंक निफ्टी का ही ऑप्शन चेन आ गया फ्रेंड्स। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है 36,400, 36,500, 36,300।
यहाँ पे आपको दिखाई देगा चेंज इन ऊपर इंटरेस्ट वॉल्यूम कितना रहेगा। ये चेंज इन ऊपर इंटरेस्ट है, ये ऊपर इंटरेस्ट है, ये वॉल्यूम है, ये चेंज इन लास्ट थ्री प्राइस है, ये लास्ट थ्री प्राइस है, ये स्ट्राइक प्राइस है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये लास्ट थ्री प्राइस पुट की तरफ है, ये कॉल किस तरफ मैंने आपको बताया, यहाँ पे पुट की तरफ है पूरा डेटा। तो आप यहाँ पे ये चेक कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके वॉच लिस्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये मैंने वॉच लिस्ट लगाया है यहाँ पे मेरा पूरा, मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है लर्न एंड अर्न फ्रेंड्स। हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, तो मैक्सिमम हो सके इतना सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओके ये मेरा वॉच लिस्ट मैंने ऐड किया है। अगर यहाँ पे आपको कोई ट्रेड या ऐड करना है, कोई स्टॉक ऐड करना है, देखते हैं कि स्टॉक ऐड कैसे करते हैं। निफ्टी लिखता हूँ, निफ्टी 17,550 का कॉल, ये नेट का ही लफड़ा है, ये नेट की वजह से नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, वरना ये अभी आ जाता है यहाँ पे। मैंने अभी अभी इसको ऐड किया था आगे 17,500 का कॉल का। जैसे आप यहाँ पे ऐड करोगे तो यहाँ पे उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आज मेंशन दिखाई देगा आपको कि बीच क्वांटिटी कितनी है। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये आया 24 मार्च का एक्सपायरी का 17,500 का कॉल, उसका लास्ट ट्रेड प्राइस कितने में क्लोज हुआ 111.75 में, उसका बीट क्वांटिटी कितने किया 50, 50, 250, 250, ये उसका प्राइस है बीट प्राइस। यहाँ पे आस्क प्राइस पूछ रहा है, यानी सेल करने के लिए पूछ रहा है इतना क्वांटिटी। ओके ये गुरुवार का डेटा हमें दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स। गुरुवार को आप देखोगे यहाँ पे तो गुरुवार को ओपन हुआ 106 में ओपन हुआ, उसका हाई मारा 143.70, उसका लो है गुरुवार को 85 रुपीज, क्लोजिंग हुआ है 111.75, जो मैंने आपको बताया आगे ये वाला। ओके ये उसका वॉल्यूम है, ये ओपन इंटरेस्ट है, ये सब डेटा आप चेक कर सकते हो। और यहाँ पे उसका चार्ट भी आएगा, लेकिन आज चार्ट नहीं आ रहा है नेट की वजह से। यहाँ पे उसका ऑप्शन चेंज भी दिखाई देगा, जैसे ये दिखाई देगा उसका आज नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आज मार्केट क्लोज है, इसलिए ये नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। जब मार्केट चालू होगा तो अब उसका आपको डेटा मिल जाएगा। ओके ये रहा मार्केट का। अभी हम देखते हैं ऑर्डर, ऑर्डर में क्या आता है फ्रेंड्स। आप जो भी ऑर्डर लोगे उसका ऑर्डर बुक यहाँ पे आ जाएगा। ओके ये बाय है, ये सेल है, पोजीशन देख लेते हैं मेरी, मैं इसका पहले निकाल लेता हूँ। दोस्तों मेरी एक पोजीशन पड़ी हुई है जो मैंने लास्ट वीक में लिया था, HDFC बैंक का पुट लिया था मैंने, रुड़का पुट था। आप देख चेक कर पाओगे यहाँ पे बैंक निफ्टी का, HDFC बैंक का ये वाला पुट मैंने लिया था, जो मैंने बाय किया था। कितने में बाय किया था? उसका एक लॉट लिया था, उसका एक लॉट का क्वांटिटी है 550, जिसका मैंने एवरेज प्राइस लिया था 0.94 में लिया था, 0.94 में, यानी 1 रुपये से भी कम में लिया था, और उसका लास्ट ट्रेड प्राइस है 0.65, तो मुझे लॉस हो रहा है 159.50 पैसा। ओके तो यहाँ पे आप जो भी ऑर्डर देगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा फ्रेंड्स। यहाँ पे एडवाइजरी में देखते हैं, एडवाइजरी में क्या आता है फ्रेंड्स। यहाँ पे नीचे चेक करोगे कि यहाँ पे सेंसिबल भी आ रहा है, मैं बात करता हूँ उससे पहले, ये देख लेते हैं एडवाइजरी में। यहाँ पे ये सब आएगा ओपन कोड, ये एंजल वन जो है वो खुद भी हमें रिकमेंड करता है फ्रेंड्स, उसने रिकमेंड किया है कि आप ये स्टॉक बाय कर सकते हो इस प्राइस पे, इस प्राइस बाय करने के बाद इसको यहाँ पे सेल कर सकते हो, यहाँ से एग्जिट हो सकते हो। तो ये पूरा एंजल वन हमें प्रोवाइड करता है फ्रेंड्स रिकमेंडेशन। यहाँ पे टेक्निकल है, टेक्निकल डेरिवेटिव्स करंसी एंड डोमेंसी में। ओके हम एक बार देख लेते हैं फंड, ये इसमें फंड का भी आएगा फ्रेंड्स। तो मेरा 810 भी फंड जमा हुआ है, यहाँ पे आप ऐड फंड करोगे, ऐड फंड करना है तो यहाँ पे ये ऐड फंड का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको अमाउंट लिखना है,
यहाँ पे नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, यहाँ पे UPI से थ्रू कर सकते हो फ्रेंड्स। यहाँ पे विड्रो का भी ऑप्शन आ रहा है, ये विड्रो का ऑप्शन है फ्रेंड्स। यहाँ पे टोटल जितना रहेगा उतना विड्रो भी कर सकते हो, जो वन डे में आपके अकाउंट बैंक अकाउंट में आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, ये सब देख सकते हो आप यहाँ पे। मार्जिन अगेंस्ट होल्डिंग, अगर आपके पास मार्जिन रहेगा होल्डिंग ये सब दिखाई देगा हमें। मार्जिन टू फ्रेज स्टेटस है, यहाँ पे रिपोर्ट है, तो बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे हमको मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये रिपोर्ट भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे मेरा नाम लिखा है फ्रेंड्स। मोर में देखते मोर में क्या आता है फ्रेंड्स। ओपन IPO का आया है, ओपन ऑर्डर बुक का आया है फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड का है यहाँ पे, आप म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हो इसके माध्यम के थ्रू। लमसम SIP NFO लमसम ऑर्डर बुक, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा फ्रेंड्स। मैं मार्केट में फिर से जाता हूँ, और मार्केट में आपको कैसे बाई करना है समझो कि ये मेरा 17,500 का कॉल पड़ा है, इसको बाई करना है, तो मुझे यहाँ पे ये बाई का ऑप्शन जो दिख रहा है आपको कौन सा वाला, ये वाला, इसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है फ्रेंड्स बाई ऐसे। और जैसे आप करोगे वहाँ पे आपको मिलेगा निफ्टी का आएगा क्वांटिटी, आपको कितना लेना है। एक क्वांटिटी लोगे इसमें लॉट साइज 50 आएगा निफ्टी में, और अगर बैंक निफ्टी में आपको एक क्वांटिटी लोगे तो इसमें लॉट साइज 25 आएगा। यहाँ पे ये सही प्राइस है, ये ऑप्शन है, यहाँ पे एक्सपायरी कौन सी एक्सपायरी है चूज़ किया आपने, ये दिखाई देगा 24 मार्च का है फ्रेंड्स। ये कॉल है या पुट है, ये कॉल है, यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। साइज प्राइस कौन सा आपने सिलेक्ट किया है 17,500 का। ओके, ये सब करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। ओके, जैसे आप बाई करोगे तो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरा अभी बाई नहीं होगा क्योंकि ये मार्केट आज ऑफ है। ओके, तो फ्रेंड्स आप ऐसे आप एंजलोन में अकाउंट ओपन करने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो। तो अगर अभी आपको अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, या मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जोड़ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे डाउन के साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे सेंसिबल करके है, स्मॉल कैस है, स्ट्रीक है, विस्टिड है, इसका भी आप फायदा उठा सकते हो। स्मार्ट स्टोर है, स्मार्ट API है, रिफर अर्न है, आप रिफर भी कर सकते हो किसी को। ARQ है, ARQ में क्या रहता है फ्रेंड्स, अगर आप ARQ लेते हो सालाना उसका 25 रुपीज़ मैंने लिया है, तो वो हर वीकली आपको स्टॉक प्रोवाइड करेगा कि आप ये स्टॉक बाई कर सकते हो, इसमें आपको प्रॉफिट होगा, ये इसको एंजलोन हमको रिकमेंड करता है फ्रेंड्स। ओके, ये सारी ये फैसिलिटी यहाँ पे एंजलोन में पॉसिबल है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से एंजलोन में कैसे अकाउंट ओपन करने के बाद आप कैसे ट्रेड कर सकते हो वो आपको नॉलेज मिला होगा फ्रेंड्स। तो हो सके तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।